हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम टिक्का। यहाँ पे मैंने एक टमाटर ले लिया है मीडियम साइज का, एक मैंने प्याज रखा है, एक हरी मिर्च लिया, एक मैंने मीडियम साइज का शिमला मिर्च ले लिया और लहसुन मैंने छील लिया है यहाँ पे काफी सारा। मशरूम टिक्का बनाने के लिए पहले मैं ये डंडियां हैं जो मैं ये सारी निकाल लेती हूँ इस तरीके से। अब मैंने ये मशरूम में से डंडियां इसकी निकाल ली है, एक तरफ रख दी है। अब मैं इन दोनों चीजों को अच्छे से धो लेती हूँ। अब मैंने इसको धो लिया है, ये जो मैंने इसकी डंडियां ली थी ये मैं सबको बारीक बारीक अच्छे से इस तरीके से काट दूंगी। इसको हम यूज करेंगे, आप पे चॉपर है तो आप इसको चॉप भी कर सकते हो। मैंने मशरूम की डंडियों को चॉप कर लिया है अच्छे से बारीक बारीक। लहसुन भी डाल लेती हूँ, इसको लहसुन को भी मैं चॉप कर लूंगी अच्छे से बारीक बारीक। इसमें मैंने जो एक प्याज लिया था वो भी मैं इसमें डाल दूंगी चॉप करने के लिए। प्याज और लहसुन को भी मैं चॉप कर लूंगी बारीक बारीक। अब मैंने उन सारी चीजों को काट लिया, इधर मैं एक प्याज डाल देती हूँ, एक जो मैंने टमाटर लिया था वो पीस लेते हैं। इसमें मैं लहसुन डाल लेती हूँ थोड़ा सा, एक हरी मिर्च डाल देते हैं, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे कलर के लिए। इसको मैं अच्छे से अब पीस लेती हूँ। अब ये देखो मैंने मसाला बना लिया है, इसका पेस्ट बन गया है, कितना बढ़िया कलर आया है इसमें। जो हमने मशरूम धो के रखे हैं डंडियां निकाल के, इसमें हम ये मसाला डाल के इसको मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। मैं इसको एक घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी मैरिनेट के लिए। अब एक तरफ हम एक फ्राई पैन गरम कर लेते हैं, उसमें हम इसका मसाला बनाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ, ऑयल हमारा गरम हो गया है। जो मैंने प्याज और लहसुन को चॉप कर लिया था वो मैं इसमें डालूंगी। इसको बारीक बारीक मैंने कर लिया है, इसको भूनेंगे अच्छे से हम। अब ये प्याज और लहसुन हमारा हल्का हल्का कलर में हो गया है। अब ये देखो, ये मैंने जो मशरूम की डंडियां ली थी बारीक बारीक कर ली थी, चॉप कर लिए मैंने मशरूम की डंडियां डाल दी इसके अंदर। अब मैं इसको भी पका लूंगी अच्छे से। अब ये हमारे ये भी पक गई है। अब मैंने एक हरी मिर्च काटी थी वो भी मैं इसमें डालूंगी। शिमला मिर्च को भी देखो मैंने बारीक बारीक काट लिया है, तो मैं अच्छे से भूनूंगी मसाले को। इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक आप ध्यान रखें, हमने उसमें भी नमक डाला है। थोड़ी सी हम इसमें भी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। अब अच्छे से हम इसको भून लेते हैं। मसाला फ्रेंड हमारा अच्छे से बन गया है, देखो भुन गया है, ये हल्का हल्का गल भी गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, इसको हम ठंडा कर लेंगे। जो हमने मशरूम मैरिनेट करके रखे थे इसमें अच्छे से नमक मसाला चला गया है मशरूम के अंदर। जो मसाला हमने बनाया था ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब ये जो हमने मशरूम लिए थे मैरिनेट वाले, इसमें ये मसाला हम भर देंगे अच्छे से। सारे मशरूम हम ऐसे ही भर लेंगे। इस तरीके से कांटे की मदद से अंदर की तरफ कर देंगे इसको। देखो फ्रेंड्स, मैंने सारे मशरूम में ये मसाला भर लिया है अच्छे से। इधर मैंने ये नॉनस्टिक तवा रख दिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ। अब मैं ये नॉनस्टिक तवा हमारा गर्म हो गया है, मैं एक एक इसमें टू पिन लगा के इसको
ऐसे रख देती हूँ। सारे मशरूम मैं इसके ऊपर रख दूंगी। इसको मैं अच्छे से सेक लेती हूँ। अब ये मैंने इसको, अब हम इसको हल्का सा टूथपिन की मदद से ही इसको हल्का हल्का पलट लेते हैं। इसको पीछे से ये सिक गए हैं, देखो ये। अब ये इस तरीके से रखेंगे तो ये सिक जाएंगे। ये देखो मैंने ये फ्रेंड्स पलट दिए हैं सारे। हम ऐसे इसको पलट पलट के सेक लेंगे अच्छे से। इसको मैं ऐसे ही हल्का सा घुमा दूंगी, ये चारों तरफ से सिक जाएंगे। तवा मशरूम टिक्का बनके बिल्कुल हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।